डिविजन यानी हरण को नहीं मोर पिला माने किपरि हरण यानी डिविजन क्षेत्र रे बहुत सहज उपाय रे बा सरल उपाय रे करि परिबे तो सेई बडी एक सुंदर उपस्थापन नै मो आसी जाय छी तो मोर पिला मानन को मो स्वागत जणाउ छी। ठीक अछि पिला माने तो देखंतु आज आमे हरण यानी डिविजन को केते सुंदर उपाय रे बा केते सहज तरीके रे आमे करि परिबा। ठीक अछि मोर पिला माने तो देखंतु बहुत बड़ बड़ संख्या को आमे बहुत हरण करिबा एवं बहुत कम समय रे भी करि परिबा। ठीक अछि तो हरण रे केते उड़िया रूल्स आज आमे देखि नबा। ठीक अछि देखो मोर पिला माने सपोज मो गोटे संख्या ने होछि 685/5। ठीक अछि मोर पिला माने तो मु एडे संख्या उठे नउछि 685 बा मु लिखि परिबि 685 हरण 5। ठीक अछि तो ए संख्याटा को जेते बेले मु हरिबि जदि मु एटी हरुछि ठीक अछि साधारण उपाय रे तो मते एटी बहुत 2 मिनिट बा 3 मिनिट समय लागि जाउछि। ठीक अछि मोर पिला माने किंतु आमे जो प्रोसेस रे करबा को जाउछि ता बहुत सरल उपाय देखो मोर पिला माने तो मु 5 को यानी मु कोन लिखि परिबि ना 10/2 लिखि परिबि ना पिला माने। ठीक अछि ना कोन ना आमे जानि छेंती 10 रे 2 हरिले बा 2 पंचा 10 10 को जदि आमे 2 द्वारा भाग करती तो हमको 5 मिलिबो तो मु ठीक सही भली सही ही कली ना 5 को 10 विभक्त 2 आकार लिखि देली। ठीक अछि मोर पिला माने तो मु एठी लिखि पारिबि 685 यानी 685 डिविजन 10/2। ठीक अछि बा आमे जानि छेंती जेते बेले भाजकटा फ्रैक्शन ले थाए तो याकू जेते बेले आमे कोन करिवा ना मल्टीप्लाई एक हरण क्षेत्र रे यानी फ्रैक्शन एटा उठ फ्रैक्शन हे के अछि तो ये कोन हबो ना यार व्युत्क्रम हे जीवो व्युत्क्रम हेला परे हरटा कोन हबो लब हे जीवो लबटा हर हे जीवो एवं मल्टीप्लिकेशन हे जीवो तो 2/10 लेखि परिबि तो 2/10 लिखि परिबि 685 गुणन 2 विभक्त 10 मु लिखि परिबि तो मु एबे कोन करिबि सिंपली एको 2 रे मल्टीप्लाई करिबि तो 0 आसिला 167 यानी 12 13 आसी गला 13 यानी 1370/10 तो 1 गोटे 0 कटला माने पॉइंट सेठी के आसी जीवो बाम पटा डाण पटा गोटे संख्या छाड़े कि मोर दशमिक बिंदु मु नै जीवि तो देखंतु मोर आसी गला 137/137। ठीक अछि मोर पिला माने तो हरण को एटी हमें बहुत सिंपल उपाय रे करि पले बहुत सहज उपाय रे मोर कुनी कुनी पिला माने भी केमेत करि परिबे सपोज छे 685 त मो एटी कोन करिवे एको 10 करिया पे एटी 2 मल्टीप्लाई करिवे एवं जेहेतु मो तळे 2 गुणुचि त उपरे भी 2 गुणिबी तो एटी कला पर एटी मते कोन मिलि जिवो मोर पिला माने ना मो एटी पाई जिवि ना एटी मो पाई जिवि कोन पाई जिवि 1370/10 तो इज इक्वल टू 1000 कटि गला तो 137 मु पाई जिवि ने नै। ठीक अछि तो यहा त एक थिला छोटो संख्या तो आमे गोटे बड़ो संख्या नबा। ठीक अछि मोर पिला माने बहुत बड़ो संख्या नै चेक करिबा देखिबा हमर एक क्षेत्र रे भी आमे बहुत कम समय रे हरण करि परिबा। ठीक अछि ना देखो सपोज गोटे संख्या ने होछि मु 6859432। ठीक अछि मोर पिला माने तो एडे बड़ संख्याटे मु एको कोन करिवि ना 5 रे डिविजन 5 करिवि तो ठीक सही परि भाव रे मु 5 बदल रे कोन लिखि परिवि ना डिविजन 10/2 लिखि परिवि ना तो मु जेतो बे 10/2 करिवि तो यानी यार एको कोन करिवि रेसिप्रोकल करि के मल्टीप्लाई कर देबि 6859432 * हे जेबो मोर 2/10 2/10। ठीक अछि मोर पिला माने तो मु एठी कोन करबी सिंपल 2 मल्टीप्लाई करबी सब क्षेत्र रे तो देखंतु एठी मते 4 मिलिला एठी 6 मिलिला एठी 8 मिलिला एठी 8 मिलिला 1 सेठी गला 10 11 1 मिलिला एठी कि 1 आसला तो एठी मते 16 यानी 17 7 मिलिला 1 सेठी आसला तो 12+1 13 मिलि गला तो एडे बड़ संख्याटे विभक्त होइ जो केते रे ना 10 रे तो 2 को हमें सिंपल या संग रे मल्टीप्लाई कर देले 2 को ए संख्याटी सहित मल्टीप्लाई कर देले एवं 10 हरि देले जेहेतु मु 10 हरिबि तो आमे जानि छथि गोटे संख्या डाण पटाडु गोटे शून्य काटि माने डाण पटाडु गोटे संख्या छाडि कि मोर दशमिक बिंदु नै जेबि तो ए संख्याटी मते मिलि गला एठी मोर दशमिक बिंदु मिलि गला। ठीक अछि 1371886.4। ठीक अछि मोर पिला माने देखंतु केडे बड़ संख्याटा को आमे जते बेले 5 रे हरुचंदि बहुत सहज उपाय रे विदिन 2 सेकंड 2 सेकंड भितरे आमे कोन करि पारुचंदि ना हरण करि पारुचंदि तो अछि ना इंटरेस्टिंग तो चालन तो आउ केते उड़िए बहुत सुंदर सुंदर जते ही आगु को आमे बढ़ी चलिबा सही स्तर रे प्रत्येक संख्या भी बढ़ी बढ़ी चलिबो एवं आहुरी तुम मानको सहज होइ जो हरण प्रत्येक क्षेत्र रे तुम्हें मैंने सहज
ମାନେ ତମେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ହରଣକୁ ତୁମେ ବହୁତ ଇଜିରେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ମୋର ପିଲାମାନେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନବା। ନା ସପୋଜ ମୁଁ କ'ଣ ନେବି, ନା ଯେମିତି ମୁଁ 5 ନେଲି ତ ମୁଁ ଏଠି ବି 15। ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି 9 4 9 4 3 2 ଇଣ୍ଟୁ ଡିଭିଜନ ହରଣ 50 ମୁଁ କରିପାରିବି। ଠିକ ଅଛି ମୋର ପିଲାମାନେ, ତ ମୁଁ ଏକୁ କ'ଣ କଲି ନା ହରଣ 50 ବି କରିପାରିବି। ତ ଏଇ 50 କୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା ମୋର ପିଲାମାନେ, ନା 50 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 100/2। ଠିକ ଅଛି, ହଁ 50 is equal to 100/2। ତ 100 କୁ ଆମେ 2ରେ ହରିଲେ 50 ପାଇବା। ତ ଠିକ ସେହିପରି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, 9 4 3 2 ଇଣ୍ଟୁ ୟାର ରେସିପ୍ରୋକାଲ, ୟାନି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ହରଣ 100/2। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ହରଣ କରୁଛି ତ ୟାର ରେସିପ୍ରୋକାଲ ହେଇଯିବ, ୟାନି ଏଇଟା ଓଲଟିଯିବ। ତ 9 4 3 2 ଗୁଣନ 2/100। ଠିକ ଅଛି ମୋର ପିଲାମାନେ, ତ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଲି ନା 2/100 ଲେଖିଲି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି ନା 2/100 ଲେଖିଲି। ତ 2/100 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସିମ୍ପଲ 2 କୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି, ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ସହିତ 2 କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି। ତ ମୋତେ ଏଠି ମିଳିଯାଉଛି 4, ଏଠି 6, ଏଠି ମୋତେ ମିଳିଯାଉଛି 8, ଏଠି ମୋତେ ମିଳିଯାଉଛି 18। ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟେ ମିଳିଲା, ବିଭକ୍ତ ମୋର କେତେ ପାଇଗଲି ନା 100 ପାଇଗଲି। ତ ଯେହେତୁ ମୋର ଏଠି 2 ଜିରୋ କଟିବ, ତ ଡେସିମାଲ ପଏଣ୍ଟ ଡାହାଣ ପଟ ଆଡ଼ୁ 2 ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି 1 2 8 ଆସିକି ବସିଯିବ। ତ ଏଣି ଆମେ ଏଠି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି 188.64। ଠିକ ଅଛି ମୋର ପିଲାମାନେ, 188.64 ଆମେ ପାଇଗଲେ। ଠିକ ଅଛି ମୋର ପିଲାମାନେ, ତ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟେ ନେବା। ଠିକ ଅଛି, ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟେ ହରଣ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା 50 କରିବି। ସିମ୍ପଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ସେଇଭଳି ଆକାରରେ ଲେଖିଦେବି, ନା 50 is equal to 100/2 ଆକାରରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି। ତ 3 2 5 9 8 7 4 8 ଇଣ୍ଟୁ ବା ଡିଭିଜନ ପ୍ରଥମେ କରିବି, ଡିଭିଜନ 100/2। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ୟାର ରେସିପ୍ରୋକାଲ, ୟାନି ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଲଭଟା ହର ହେଇଯିବ ଏବଂ ହରଟା ଲଭ ହେଇଯିବ, ୟାନି ତା'ର ବ୍ୟୁତକ୍ରମ ମୁଁ କରିକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି। ତ 3 2 5 9 8 7 4 8 ଇଣ୍ଟୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ନା 2/100। ଦେଖ ମୋର ପିଲାମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, 2 ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି ଏବଂ ହରଣ କରିଦେବି 100। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି ତ ଏଠି ମୋତେ 6 ମିଳୁଛି, ତ 1 ସେଠିକି ଆସିଯିବ, 8 9 ମିଳିଲା, ଏଠି 4 ମିଳିଲା, 1 ସେଠିକି ଆସିଲା, 17 7 ମିଳିଲା, ଏଠିକି 1 ଆସିଲା, ତ ଏଠି ମୋତେ କେତେ ମିଳିଲା, 18 20, ଏନେ 0 2 ଏଠିକି ଆସିଲା, 10 10 + 2 12 2 ଏଠିକି 1 ଆସିଲା, 2 2 4 + 1 5 ଏଠି ଆସିଲା, 6 ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟେ ମିଳିଗଲା। ବିଭକ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା 100 ନେଇଯିବି, ଯେହେତୁ ଏଠି 100 ଆସିଗଲା ତ 2 0 କାଟିବି, ଡାହାଣ ପଟ ଆଡ଼ୁ 2 ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ପ୍ଲସ୍ ଡେସିମାଲ ପଏଣ୍ଟ ନେଇଯିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଗଲି, 6 5 2 0 2 0 7 7 4 0.96। ଠିକ ଅଛି ମୋର ପିଲାମାନେ, ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 50 ଡିଭିଜନ କଲି ତ ୱିଦିନ 2 ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ମୋର ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ୱିଦିନ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମେ ମାନେ ଏଭଳି ଆନ୍ସରକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ମୋର ପିଲାମାନେ, ତ ଏହା ଥିଲା 50 କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା, ଯେମିତିକି ଦେଖ ମୋର ପିଲାମାନେ, ସପୋଜ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି 3 8 9 6 4 ଡିଭିଜନ 500। ଠିକ ଅଛି ମୋର ପିଲାମାନେ, ନା ମୁଁ କ'ଣ ନେଲି ନା 3 8 9 6 4 ଡିଭିଜନ 500। ତ 500କୁ ମୋର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା 1000/2 ଲେଖିପାରିବି ନା, ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବି, 3 8 9 6 4 ଡିଭିଜନକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ଡିଭିଜନ 1000/2 ଯେତେବେଳେ ନେବି, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଏଣେ ବ୍ୟୁତକ୍ରମ ହେଇଯିବ, ହରଣ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ। 3 8 9 6 4 ଗୁଣନ କ'ଣ କରିବି ନା 2/1000। ଠିକ ଅଛି ମୋର ପିଲାମାନେ, ସିମ୍ପଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ସହିତ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି ଏବଂ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବି 1000। ଦେଖ ଏଠି ମୋର ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଆସିଗଲା, ତ 4 2 8 ଏବଂ 6 4 6 2 12 2 1 ନେଲା, 9 18 + 1 19 9 1 ନେଲା, ତ 16 + 1 17 1 ନେଲା,
तो ये मत आसगला सिक्स सेवेन आसगला ठीक अच्छे मोर पाने तो ये बड़ संख्याटे पाइली और डिजन वन थाउजेंड ने भी, तो तीन टा जीरो कट हम कटो मैंने मुझे कौन करी ना डाण पटा आड़ू तीनो संख्या छाड़ी डीसीमल पॉइंट नहीं जी तो यानी मुझे रेजल्ट पाइली सेवेन्टी सेवेन सेवेन्टी सेवेन पॉइंट नाइन टू एट ठीक अच्छे मोर पिला माने 928 देखंतु केडे बड़ संख्याटा को जते बड़े मु 500 रे डिवीजन करूची यानी हरण करूची तो बहुत कम समय रे 77.928 मिल जाउची मते ठीक अच्छे मोर पिला माने। तो आउ गोटे संख्या नबा देख मोर पिला माने सपोज मु आउ गोटे संख्या नेबी बहुत बड़ संख्याटा नेबी 3896324938 डिवीजन 500 ठीक अच्छे मोर पाने ना डिवीजन 500 ने भी तो यह कौन करी ठीक से ही भाव में 500 भी यानी मुझे 1000 बाय 2 लिखिपारि तो 1000 बाय 2 जो कौन करी परवर्त समय 2 बाय 1000 मुझे करी मल्टीप्लाई होने भाजकटा कौन हो रहा रेसिप्रोकल हो मल्टीप्लाई हो ठीक अच्छे। तो देख मु कौन करी ना ये संख्याटी 3896249 38 को मल्टीप्लाई करी 2 सहित 1000 सिंपली कौन करी ना डिवाइड कर देबी ना देख मोर पाने कौन करी ना ये मुझे 6 ये मुझे 7 ये मुझे 18 8 ये आसीज 9 ये आसीज 4 ये आसीज 2 ये आसीज 9 ये वन्स तो ये आसीज 9 ये आसीज 16 प्लस 1 17 7 प्लस ये आसीज 6 1 प्लस 6 1 7 ठीक अच्छे मोर पाने एडा बड़ संख्याटा आसीगला विभक्त 1000 नहीं जी सिंपली तीन टा जीरो कट हो मैंने कौन करी ना राइट साइड रु तीनो पॉइंट्स तीनो संख्या छाड़ी पॉइंट नहीं जी तो यानी मत ये मिल जाए 7792924 9.876876 देख मोर पाने के सुंदर उपाय कम समय आम कौन कर क्षेत्र में हरण कर ठीक अच्छे मोर पाने। तो या परवर्त आउ गोटे संख्या नहीं देखा आम जमीक देख मोर पाने सपोज मु गोटे संख्या ने 3289 डिविजन वन डिविजन 25 ठीक अच्छे मोर पाने ना मुझे कौन ने 3289 डिविजन 25 तो मोर पाने 25 को लिखिपारि ना 100 बाय 4 ठीक अच्छे मोर पाने कौन लिखिपारि ना 25 इज इक्वाल टू 100 बाय 4 सिंपली मुझे कौन करी 3289 डिविजन 100 बाय 4 तो 100 बाय 4 को मुझे कौन करी परवर्त समय रेसिप्रोकल यानी 4 बाय 100 करेबी 3289 ठीक अच्छे। तो 4 भी आसे तो मल्टीप्लाई करी सिंपली मुझे आंसर पाइबी देख मोर पाने तो यानी 6 ये आसीगला 5 प्लस ये आसीगला 8 11 तो 1 ये आसीगला 12 प्लस 13 तो ये मत ए संख्याटी मिलगला 13156 बाय के आसीगला 100 तो जिते बड़े मुझे कौन करी 100 सहित डिवाइड कर 100 सहित मुझे डिवाइड कर मत ये कौन मिल जाऊँच देख मोर पाने तो दुटा जीरो जिते मोर कट हो रईट सैड दुटा संख्या छाड़ी मुझे डेसिमल पॉइंट नहीं जी 131.56 आंसर मोर मिलगला 131.56 ठीक अच्छे मोर पाने। तो आउ गोटे संख्या नवा जमीक मोर पाने 12 मुझे कौन ने ना 25 नेली तो आउ गोटे संख्या देखो 3779879832 डिविजन 250 ठीक अच्छे मु कौन नेली ना 79832 डिविजन 250 तो यह कौन कर देख मोर पाने तो सिंपली मुझे लिखिपारि 250 इज इक्वाल टू 1000 बाय 4 लिखिपारि ना मोर पाने ना देख मुझे सिंपली कौन करी 79832 डिविजन 1250 बदल रही 1000 बाय 4 तो 1000 बाय 4 नौ तो परवर्त समय मुझे कौन करी 79832 मल्टीप्लिकेशन करदेवी यानी रेसिप्रोकल हो 4 बाय 1000 सिंपली मो 4 को मल्टीप्लाई करी 1000 को डिवाइड करी ठीक अच्छे मोर पाने देख ना मुझे कौन करी ना ये मुझे तो आंसर मत ये के मिल जाऊँच ना ये 8 ये मिल जाऊँच 12 2 तो ये 32 प्लस 1 33 3
तो 36 प्लस 39 3 तो 28 प्लस 31 ठीक अच्छे मोर पिला माने तो ए संख्याटा विभक्त 1000 तो एठी जेतेबेले मु 3टा शून्य कट करबि तो मु कोन करबि ना राइट साइड उड 3टा संख्या छाडी कि मु कोन करबि डेसिमल पॉइंट नै जबि तो इज इक्वल टू मते एठी मिलि जाउछि 319.328 देखो केडे बड संख्याटा को जेतेबेले आमे 250 रे डिविजन करचोंती आमे विदिन 2 to 3 सेकेंड भितर आम कौन करें पाई जाऊँ तार आंसर ठीक अच्छे मोर पी मैंने तो यह 250 तो यह परवर्त आउ गोटे सुंदर संख्या नवा देख मोर पे सपोज मुझे नहीं ना ने गोटे संख्या 7378936 29 डिविजन 2500 ठीक अच्छे मोर पे केड़े बड़ संख्याटा को मु तथा मोर भाजक को भी आउ टे बड़ करदेली तो यह भी सरल कर देख मोर पे मुझे लिखिपारि 2500 इज इक्वाल टू 10000 बाय 4 बोली मुझे लिखिपारि सिंपली मुझे कौन करी 3789 3629 3629 डिविजन मु 10000 बाय 4 लिखिपारि तो परवर्त समय 3789 3629 रेसीप्रोकाल यानी तार व्युत्क्रम हो मल्टीप्लाई हो तो 4 by 1000 मुझेपरि ठीक 10000 मुझेपरि तो यह करें कौन करी ना ए संख्याटी को 4 सहित मल्टीप्लाई करी और 10000 रे डिवाइड करी देख मोर पे मोर आंसर के आसी जा 36 यानी 6 मिलला 4 2 प्लस एटी आसी गला 8 plus 8 plus 3 11 1 तो ये आसी जा 24 25 यानी 5 2 आसी जा 12 plus 2 यानी मत आसी जाए 4 तो 1 39 plus 36 plus 1 37 7 मिल जाए तो 32 plus 3 यानी ये मत मिल जाए 35 5 तो ये 28 plus 3 यानी 31 1 तो ये आसला 3 तो 4 3 12 plus 3 तो 15 तो एड़े बड़ संख्याटा को मुझ कौन करी 10000 रे डिवाइड करी देखो मोर पे यानी 4टा 0 जो कट करुँ तो डाण पटा 4टा संख्या छाड़ी मुझ कौन करी डेसिमल पॉइंट नहीं जी तो आंसर मोर आसी जाए 1515 ठीक अच्छे मोर पे 7.4516 देख मोर पे तो केड़े बड़ संख्याटा को जिते बड़े आम कौन करुँचे एड़े बड़ संख्याटा को 2500 डिविजन करुँ तो आमको आंसर मिल जाऊँगी बहुत कम समय 15157.4516 ठीक अच्छे मोर पे तो परवर्त आउ के गुड़े संख्या नहीं आम देखा देख मोर पे सपोज मुझ आउ गोटे संख्या नेबी कौन ना मुझे ने 100 सपोज गोटे संख्या नौ 32964 इज डिविजन 125 ठीक अच्छे मोर पे ना मुझे कौन नी 32964 डिविजन 125 तो मुझे सिंपली कौन लिखिपर 125 इज इक्वाल टू 1000 by 8 मुझे लिखिपरि ना मोर पे तो 1000 by 8 इज इक्वाल टू 125 सिंपली मुझे कौन लिखिपरि 3832964 डिविजन 1000 by 8 तो परवर्त समय 32964 डिविजन यानी रेसीप्रोकाल हो भाजकटी एवं ता मल्टीप्लाई हो तो ये मुझे कौन लिखिपारि 8 by 1000 तो मुझे सिंपली कौन करी ए संख्याटा को 8 मल्टीप्लाई करी 1000 रे डिवाइड करी टोटाल जो संख्याटी मिल तो मुझे कौन कर देख मोर पे तो आंसर मोर के मत 2 आसी जा 8 4 32 2 plus ये मत मिल जाए 48 plus 3 यानी 51 1 plus 5 आसी जा 72 plus 5 तो 77 ये मत मिल जाए 7 तो 16 plus 7 यानी 23 3 2 आसी जा 24 24 तो 26 वाय मोर मिल जाए के 1000 तो परवर्त समय जो कौन करी ना ए संख्याटा को 8 मुझे मल्टीप्लाई करुच्ची तो मत के मिलगला ना 20 यानी मत ये मिल जाऊँ के 2,63,712 डिवाइडेड बाय 1000 तो सिंपली मुझे कौन करी 3टा 0 को जो कट करी यानी काटिदेवि तो परवर्त समय मुझे कौन करी डेसिमल पॉइंट 3टा संख्या छाड़ी मुझे नहीं जी तो आंसर मत मिल जाए 263 263.712
ठीक अच्छे मोर पिला माने तो देखंथु केडे बड़ संख्या टा को जते बेले हम 125 रे 125 रे डिवाइड करचंती तो हम बहुत कम समय भीतर आंसर पाई जाउचंती। ठीक अच्छे पिला माने तो एई भली हरण बा एई भली संख्या मानु को नै भाजक एई भली संख्या आकार रे थिले तो हम को कोन करचंती 10 100 आ 1000 10000 तो ए भली संख्या बेस नै कि हम कोन करि पाउचंती हरण करि पाउचंती बहुत कम समय रे। तो हम भाबु छी आजर एपिसोड मोर पिला मानन को बहुत भल लागिथिबो। तो जदि भी सेमानन क्षेत्र रे किछि डाउट रहि जाउची तो सेमाने ते कमेंट माध्यम रे जानतु परवर्ती सेशन ले मु आहुरी ताको पई सरल रो सरल उपाय रे नै आसीबी एपिसोड। ठीक अछि मोर पिला माने एवं मोर चैनल को शेयर माध्यम रे प्रतिटि ओडिया पिला मानन को पाखरे पहुचंतु एवं लाइक सब्सक्राइब करिया पई जमा भी भूलंतु नी कारण तुमर लाइक आ सब्सक्राइब रे मते आगु को बढिया पई शक्ति मिलुचि। ठीक अछि पिला माने तो आगामी एपिसोड आहुरी एक दमदार एपिसोड नै मु आ तुम आगरे उपस्थापन करिया को जाउचि। ठीक अछि मोर पिला माने।